एक घर में एक भैंस एक वर्ष होती है, दो वर्ष होती है, एक वर्ष 1,000 रुपया आती है, दो वर्ष 2,000 रुपया आती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं? कुछ ऐसे धीरे धीरे हिला रहे हो। एक घर में दो भैंस है, एक वर्ष एक दो वर्ष होती है, होती है, तो एक वर्ष दो वर्ष वो आपने करिए, एक वर्ष दो वर्ष नहीं है। आज के बाद सारी भैंस एक वर्ष हो जाएंगी इस लेक्चर के बाद। जो एक वर्ष भैंस है वो क्या करती है, ब्याने के 25-30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद लंबाती है। इतना लंबाती है, पंद्रह व्यक्ति इतना लंबाती है, पड़ोसी कहता है इसे नहीं करा देना, ये ठंडी हो जाएगी। आप उनको उल्टा सीधा कटरा छोड़वा देते हो, ब्यावा निकलती है और नहीं हो जाएगी। अगर 10 साल रहेगी 10 बच्चे देगी, 5 साल रहिए तो 5 बार जाएगी, ठीक है। दो बार तू भैंस कैसे हो गई आपने कट, इसका मतलब ब्याने के बाद की जो गर्मी आती है उसको ओवुलेटरी हीट होते हैं। ब्याने के बाद 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन के बाद जो अच्छी भैंस होती है 35-30 दिन में हीट में आ जाती है, और उस हीट में अगर नहीं कराओगे तो 100% नहीं निकलेगी। लेकिन हमारे वैज्ञानिक किसान को ये पता ही नहीं है गर्मी के लक्षण क्या है। सिर्फ उसको दो लक्षण पता है, तोड़ा देगी, पानी फेंकेगी और रंभा भी चिल्लाएगी तो नहीं कराएगी। अब ये लक्षण नहीं है, ये होती है साइलेंट हीट। जो दो वर्षों भैंस है वो साइलेंट हीट में है, ध्यान के 25-30-40 दिन के बाद वो पतले फेंकती है, वो पानी डालती है। जब वो पतले फेंके, जब वो पानी डाले, उस पानी को लकड़ी में लगा के ऊपर कर देना, ऊपर से नीचे तक तार बन जाए, तार जब मर भूले तो ये समझ लेना कि ये अंडे वाली गर्मी है। अगर हम इसको पकड़ बोले, अगर बोलने का मतलब अगर वो नहीं चलेगी तब भी नहीं कराएंगे, वो 100% क्या बात निकलेगी, क्योंकि वही ही ओवुलेटरी ही। दूसरा कारण ये थैला छाप कनुए, जितने कनुए जब से पैदा हुए जब से बाजपन की समस्या पड़ गई, आपकी भैंस में पानी फेंका, क्यावन हुई, आपने कनुआ को फोन लगाया, कनुआ से कहा मेरी भैंस क्यावन हो रही है, कनुआ बीच में जाओ और सीमेंट डाल गया। अगर खेत में पानी डाला है आपने, परेबा क्या है, अगले दिन बीज डालोगे तो बीज जमेगा, क्या करोगे, पहले उबाल आएगी, और उबाल आने के बाद क्या होगा, जब मिट्टी भुरभुरी होगी उसमें पानी खत्म हो जाएगा, तब बीज डालोगे तब बीज जमेगा, अगर पानी में डालोगे तो बीज नहीं जमेगा। जब बच्चेदानी पानी फेंक रही है, जब उसमें बीज डालेगा उस पानी के साथ बीज बाहर आ जाएगा, तो ग्यावन कैसे रुकेगी। आपको जब ये कलुए नहीं थे, जब ये खड़ा छाप नहीं थे, तो शाम को भैंस नहीं होती थी, तो देखो आप अस्पताल लेके जाते थे, 12 घंटे हो जाते थे, उनका पानी सूख जाता था, ओवुलेशन शुरू हो जाता था, उधर से पी जाता था, उधर से क्या बंद हो जाती थी पानी पड़ता था। आज हर दिमाग की नस खोल के जाऊंगा आपकी, पिछली बार 3-4 दिन लगातार दिन का और रात का लेक्चर था, अब की बार मैंने सिर्फ 2 लेक्चर लिए रात का और आपका। कोशिश करूंगा जितना मैंने तब किया उतना कर दूं। 650 किलोमीटर दूर से मैं आया हुआ आपके बीच में, इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी बैटरी को घर ले जाऊं, मैं पूरी बैटरी खर्च करके जाऊंगा। और ये जो वॉइस रिकॉर्डर है मेरा काम है, इससे भी मैं सुबह से करारे कर रहा था कि ये अगर धोखा देगा तो मैं किसी काम का नहीं बचूंगा। तो ओवुलेटरी हीट का मतलब क्या है, भैंस को 12 घंटे के बाद नहीं कराना चाहिए, लक्षण आने के 12 घंटे के गाय को 18 से 20 घंटे के बाद नहीं कराना चाहिए।